हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं द इंजीनियरिंग दुनिया। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में। तो आइए वन बाय वन देख लेते हैं हमारे कौन कौन सी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो हार्डनेस होती है। हार्डनेस हार्डनेस मटेरियल की, किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो ये बताता है कि उस मटेरियल पे, वो जो प्रॉपर जो मटेरियल है उस पर मशीनिंग करना कितना कठिन है, ये चीज़ बताता है। किसी किसी भी मटेरियल का, जिस मटेरियल की जितनी हार्डनेस ज़्यादा होगी उस पर मशीनिंग उतने ही कठिनाई से होगा, ये आप प्रॉपर कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो डायमंड होता है, डायमंड डायमंड की हार्डनेस सबसे ज़्यादा होती है, तो इस वजह से उस पर मशीनिंग करना बहुत हद तक इम्पॉसिबल होता है। तो उसके बाद ग्लास आता है, तो ग्लास ग्लास भी हार्डी माना जाता है, बट उस पर जो डायमंड होता है वो थोड़ा उससे ज़्यादा हार्ड होता है, इस वजह से उसके थ्रू उस पर मशीनिंग की जाती है। तो कुल मिला जुला के हार्डनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि हम उस पर मशीनिंग करने की कैपेबिलिटी उससे हम उससे माप सकते हैं। और दूसरी हमारी जो आती है प्रॉपर्टी वो होती है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी को आप ऐसे नाप सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, जैसे आप आपने वायर देखा होगा, किसी भी चीज़ का वायर आपके घर में, इलेक्ट्रिक वायर जो जितने बहुत सारे वायर बने होते हैं, तो वो किसी भी मटेरियल को, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इस चीज़ को, जो मटेरियल को हम खींच के मतलब एक पतले वायर में चेंज कर सकते हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी के कारण हम इस किसी मटेरियल को एक पतले वायर में चेंज कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं डक्टिलिटी। हमारा नेक्स्ट जो आता है वो होता है टफनेस। तो दोस्तों, टफनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जो ये दर्शाता है कि वो मटेरियल कितना टफ हो सकता है, मतलब कितना उस पर शॉक वगैरह जो भी हो एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, तो मशीन की जो बॉडी बेस बनता है वो एकदम टफ मटेरियल से बनाया जाता है, कि जिससे कि उस पर कितना वाइब्रेशन हो या फिर कितना भी उसे पटका जाए, कुछ भी किया जाए, तो वो जल्दी टूटे ना, तो इस चीज़ को हम टफनेस कहते हैं। अगला हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है ब्रिटलनेस। तो दोस्तों, ब्रिटलनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, आपने जैसे आपने वो मिट्टी मिट्टी देखा होगा, मिट्टी कोई भी मान लीजिए कोई मिट्टी होती है, या फिर आप ईंट का एग्जांपल ले सकते हैं। जो ईंट होता है, ईंट पे आप एक हथौड़ा मारेंगे या फिर किसी भी चीज़ से प्रहार करेंगे, तो वो देखेंगे आप टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे आप वायर, डक्टाइल मटेरियल को खींच के वायर में चेंज कर पा रहे थे, वो उस प्रकार से, या फिर को एक मेलिबिलिटी भी प्रॉपर्टी जाती है, तो उस हिसाब से इसमें काम नहीं हो सकता है, या फिर टफनेस हो गया, टफनेस के हिसाब से नहीं हो पाएगा, या फिर तो आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि किसी भी मटेरियल का ब्रिटलनेस वो प्रॉपर्टी है जिससे वो, ऐसा मान लीजिए वो शॉक एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। हमारी जो नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट आ गया मेलेबिलिटी। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो मेलेबिलिटी होती है। आपने फावड़ा देखा होगा, तो फावड़ा या तो उसको कैसे बनाया जाता है, तो आपने देखा होगा जो किसान, वो क्या बोलते हैं, लोहार वगैरह होते हैं, वो लोग किसी भी मेटल को पीट पीट के उसको फैलाते हैं, चिपटा करते हैं, गरम करके उसको पीट के फिर चिपटा करते हैं। तो ये चिपटा करने वाली जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के कारण उसको फैला के एक शीट में चेंज किया जा सकता है, उसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। दोस्तों, हमारी अगली जो प्रॉपर्टी है वो इलास्टिसिटी। किसी भी मटेरियल का इलास्टिसिटी वो भी एक प्रॉपर्टी होता है। तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना होगा इलास्टिसिटी होता क्या है। तो
दोस्तों इलास्टिसिटी वो होता है, जैसे कि इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे कि आप वो उस पर कोई फोर्स लगाएं तो उसमें जितना डिफॉर्मेशन होता है वो फोर्स हटाने के बाद वो मटेरियल अपना ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है, इसी चीज़ को बोलते हैं इलास्टिसिटी। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रबर है, उसे हम खींच रहे हैं, खींच के उसमें जितना ही फोर्स लगाया, मान लीजिए वो 1 सेंटीमीटर का था, हमने खींच के उसे 2 सेंटीमीटर का हो कर दिया। अब फिर हम अपना फोर्स हटाते ही वो दोबारा से 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा, उसी चीज़ को बोलते हैं हम इलास्टिसिटी। ये अब हमारी अगले प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है प्लास्टिसिटी। तो दोस्तों इलास्टिसिटी तो आप जान ही हैं, तो प्लास्टिसिटी भी इसका थोड़ा एक्सटेंड कर दें। मान लीजिए एक रबड़ है 1 सेंटीमीटर का, उसे हमने खींचा, खींच के 2 सेंटीमीटर किया, 2 सेंटीमीटर तक तो इलास्टिक था। अब 2 सेंटीमीटर से जैसे ही हमने अधिक थोड़ा और अधिक फोर्स लगाया, वो एक ऐसे पोजीशन जो इलास्टिसिटी की लिमिट के बियॉन्ड चला जाता है, तो एक ऐसा पोजीशन आता है जहाँ से वो प्रॉपर मतलब फोर्स हटाने के बाद भी वो अपना दोबारा से 1 सेंटीमीटर नहीं आएगा, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ऐसा। तो इसी चीज़ को बोलते हैं प्लास्टिसिटी, मतलब इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। इलास्टिसिटी मीन्स टेम्पोरेरी डिफॉर्मेशन और प्लास्टिसिटी मीन्स परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब हमारी जो अगली प्रॉपर्टी आती है वो आती है स्टिफनेस। तो स्टिफनेस किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो कि डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करती है। अब आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। आपने वो देखा होगा जो पहले गाड़ियों में आते थे एक लीफ स्प्रिंग, या फिर अभी भी अभी अभी जो गाड़ियों में आती है क्या बोलते हैं ट्रक वगैरह में, उसमें एक लीफ स्प्रिंग लगी होती है। तो वो मटेरियल उस पर देखते हैं आपकी लोड पड़ती है, लोड पड़ता है तो वो जंप करता है, लेकिन जितना डिफॉर्म होता है वो वापस से लोड हटने के बाद वापस से अपना वो शेप रीगेन कर लेता है। तो वो जो क्या बोलते हैं जो प्रॉपर्टीज होती है जो मटेरियल की, तो वो लोड को उठाती है, मतलब रजिस्ट करती है डिफॉर्मेशन को, कि मटेरियल अगर कोई लोड पड़ा तो वो अब जो मटेरियल मान लीजिए स्टिफ नहीं होगा, उस पर लोड पड़ेगा मुड़ जाएगा, फिर वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ पाएगा। इसको आप वही इलास्टिसिटी से कंपेयर कर सकते हैं, ऑलमोस्ट उसी के जैसा होता है, उसी की तरह होता है। अब हमारी जो अगली प्रॉपर्टी आती है वो आती है क्रिप। सो क्रिपिंग, क्रिपिंग एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि बहुत स्लो मान सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी में बहुत स्लो डिफॉर्मेशन होता है। क्रिपिंग अब मान लीजिए कोई किसी भी चीज़ से मान लीजिए फैन लटक रहा है, अब फैन की जो रॉड होती है वो फैन को उठा के रखती है, ठीक है, उस पर टंगा होता है फैन, तो उसमें बहुत ही स्लो डिफॉर्मेशन होता है, वो हमें प्रॉपर पता भी नहीं लगता है, लेकिन उसके जो रॉड की जो लेंथ होगी वो कुछ सालों बाद आप उसको मेज़र करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत इलोंगेशन देखने को मिलेगा। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि जो क्रिपिंग जो होती है वो बहुत स्लो डिफॉर्मेशन की प्रक्रिया को कहते हैं। अब हमारा अगला जो आता है वो आता है रेजिलेंस। सो दोस्तों तो रेजिलेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जो ये बताती है कि वो कितना एनर्जी स्टोर कर सकती है। ये भी ऑलमोस्ट उसी के जैसे आप इलास्टिसिटी से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आप मान लीजिए अपने वॉच देखी होगी, पहले जो आती थी चाबी वाली वॉच, तो उसको आप चाबी घुमा देते थे वो 24 घंटे चलती रहती थी, तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती थी, स्टोर करके रखी जा सकती थी। तो उसी प्रॉपर्टी को जो वो जो स्टोर करने की प्रॉपर्टी है उसको रेजिलेंस कहते हैं। हाँ अब उसमें जो स्प्रिंग लगी होती थी, सर्कुलर रैकेट लगी होती थी, तो उसको आप स्टिफ बोल सकते हैं, वो स्टिफ होती थी।
तो लेकिन जो स्टोर करने की प्रॉपर्टी है उसी को रेजिलियंस बोलते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी आती है, हमारी जो मेन प्रॉपर्टी आती है इसे कहते हैं स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ तो आप सभी को पता होगा कि स्ट्रेंथ क्या होता है। तो किसी प्रॉपर्टी को कह सकते हैं कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है उस पर हम कितना फोर्स लगा के उसको डिफॉर्म कर सकते हैं, वो इस बात पे निर्भर करता है कि उस चीज़ का, उस मटेरियल का, प्रॉपर मटेरियल का स्ट्रेंथ कितना है। अब जो जिस मटेरियल का जितना स्ट्रेंथ होगा वो उतनी फोर्स एब्जॉर्ब कर सकेगा, उसको उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको डिफॉर्म करने के लिए। आप सीधी से भाषा में ये कह सकते हैं कि कोई मटेरियल कितना लोड ले सकता है, कितना लोड लेके चल सकता है, उसी चीज़ को बोलते हैं स्ट्रेंथ। इसे आप अपनी प्रॉपर लाइफ से भी कंपेयर कर सकते हैं कि किसी का कितना स्ट्रेंथ होता है। तो दोस्तों आज के लिए हमारा इतना ही था। बाकी आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट करके बताएं, वरना हम इसकी जो डिटेल में जो वीडियो होगी इसकी प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में वो हम आगे ले आते रहेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।